रजत जी शुरू करें क्या? जी सर। तो गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर दिस इवनिंग। टुडे वी आर प्लेज्ड टू वेलकम आवर स्पीकर, प्रेजेंटर और मेंटर वैद्य ऋषिकेश महत्रे सर, ए वेरी स्पेशल गेस्ट फ्रॉम महाराष्ट्र। वैद्य ऋषिकेश महत्रे इज MD इन आयुर्वेदा संहिता एंड MA इन संस्कृत। In 1999, he was the first one to introduce and establish PGAS set preparation classes in India. More than 450 students are selected. In those years, 16, he received Best Teacher Award or Dr. P.G. Ghanekar Utkrisht Adhyapak Puraskar by Vaidya Khadiwale Vaidyakaya Sanstha. It is the highest honor considered in Maharashtra. And today he will be sharing with us is his expert opinion on diabetes. With that, I want all of you to give your full attention to Mahatre sir and help me in welcoming him. Mahatre sir. Hello. Ji sir. Welcome. शुरू करें? जी सर। हेलो। हाँ जी सर, स्टार्ट कीजिए। ओके, नमस्कार। स्क्रीन कैसे शेयर करना है? हेलो। हाँ जी सर, स्क्रीन कैसे शेयर करेंगे? सर जो माइक माइक का ऑप्शन है ना सर, उसके राइट में ही स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन है सर। ओके जी सर, ठीक। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत। ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? जी सर। यस सर। ओके, सो अभी शुरुआत करते हैं। गणाधीशो गुणाधीशो विद्या निधिर्विनायकः कार्यारंभे सदा तस्मै गणेशाय नमो नमः। आप सभी का इस आज के व्याख्यान में हार्दिक स्वागत। ये पुरुषोत्तम मास का आज प्रथम दिन है, तो एक शुभ अवसर पर एक अच्छा ज्ञान संवाद आपके साथ मैं करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। ये रजत जी गोयल साहब ने मुझे ये जो यहाँ पर आपके साथ संवाद करने का जो शुभ अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी, और आप सभी श्रोतागण यहाँ पर आपका बहुमूल्य समय व्यतीत करने के लिए एक अच्छे प्रयोजन की दृष्टि से यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए आप सभी का भी हार्दिक धन्यवाद। विषय है डायबिटीज, डायबिटिक वुंड एंड माय क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस यूजिंग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। सो ये तीन शब्द जो है उसको चिपक के ही मैं यहाँ पर बात करूं, यानी बहुत कुछ मैं आपके सामने शास्त्र थियरी श्लोक वगैरह रख के बात करने का मन नहीं करता। यहाँ पर जो रिजल्ट्स है वो मैं आपके सामने रखूंगा, वो रिजल्ट्स आने के पीछे जो ट्रीटमेंट है वो आपके सामने रखूंगा, और वो ट्रीटमेंट क्यों दी उसका जो मेरे दिमाग में एक विचार है वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इतने तीन संक्षिप्त और प्रिसाइज और कंसाइज मुद्दों के साथ हम बात करेंगे। तो पहला शब्द है डायबिटीज, दूसरा डायबिटिक वुंड,
और तीसरा आयुर्वेद, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने कुछ मेरा परिचय लिखा हुआ है और नीचे दो लिंक दी हुई है, एक YouTube की लिंक है और एक मिक्स क्लाउड की लिंक है। जितने भी लेक्चर मैं पूरे भारतवर्ष में देता हूँ विगत 10 साल से, वो सारे इन दोनों लिंक्स पर ऑडियो और वीडियो दोनों रूप में उपलब्ध रहते हैं। ये भी लेक्चर आज के संयोजकों की अनुमति के बाद हम अपलोड करने का प्रयास करें। पहले रिजल्ट्स देखते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये है रिजल्ट्स, ये रिसेंट केस है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये स्त्री, एक रिपोर्ट है अभी अभी आया हुआ। देखिए ये 26 अगस्त यानी 15 दिन पहले की बात, इसमें ये HbA1c का रिपोर्ट है जो 12 से लेके अभी 7.5 तक आ गया है। अभी इसमें जो डेट्स दिखाई दे रही है वो तो 22 नवंबर और 26 अगस्त, लेकिन पेशेंट की ट्रीटमेंट मेरे यहाँ जो है ये अप्रैल में शुरू हुई लॉकडाउन चालू होने के बाद, तो आज तक मैंने पेशेंट को देखा नहीं है, मैंने पेशेंट को टच नहीं किया है। जो भी चल रहा है ऑनलाइन कंसल्टेशन के रूप में ही चल रहा है। तभी इसका जो HbA1c का रिपोर्ट है ये 12 से लेके 7.5 तक आ गया है। नॉट अ सिंगल ड्रग फ्रॉम मॉडर्न मेडिसिन इज गोइंग ऑन, नो OHA, नो इंसुलिन, ठीक है। फिर ये दूसरा रिपोर्ट है, रिपोर्ट नहीं एक्चुअली ये उसकी पत्नी ने भेजा हुआ, उसकी पत्नी डॉक्टर है इस पेशेंट। ये दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन, तो ये जो है इन्होंने व्हाट्सएप पे पूरा हिस्ट्री भेजा, हमने जब ट्रीटमेंट चालू की 24 अप्रैल को और 27 अगस्त तक, आपको डेट भी दिखाई दे रही है। ये पूरा यहाँ पर उन्होंने एक के बाद एक क्या क्या हुआ कैसे हुआ उस तरह से लिख के भेजा है। तो लॉकडाउन चालू था तो औषध भेजने का कोई मार्ग नहीं था, स्पीड पोस्ट कुरियर ट्रांसपोर्ट सारा बंद था, तो हमने केवल उनको परिश्रम और मिताहार, कुछ व्यायाम सजेस्ट किए और कुछ आहार सजेस्ट किए। इतने से 24 अप्रैल के बाद जो 220 और 338 फास्टिंग और पीपी थी वो 15 दिन के बाद यानी 19 मई को आप देखेंगे तो फास्टिंग आ गई 181 और पीपी आ गई 252, यानी कंसिडरेबल उसमें डिक्रीज, केवल परिश्रम और मिताहार, व्यायाम और आहार से उनको प्राप्त। तब तक लॉकडाउन में थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ, स्पीड पोस्ट कुरियर चालू हो गए, तो हमने यहाँ से मेडिसिन भेज दी और पहले 15 दिन के मेडिसिन के बाद उन्होंने रिपोर्ट किया तो ये फर्दर 160 फास्टिंग और 196 करीब करीब 200 ये पीपी आ गया। फिर और एक मंथ का मेडिसिन दिया, फिर 140 200 रह गया, फिर और एक मंथ का मेडिसिन चला गया, फिर अभी 124 और 136 और 3 महीने बाद HbA1c करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ऊपर वाली लाइन में ग्लाइकोसिलेटेड HB12 पहले नंबर पर और ये 5वें नंबर पर 7.5। तो अप्रैल से लेके अगस्त तक यानी 4 महीनों में HbA1c 4.5 से नीचे आ गया है और ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल है और एक भी मॉडर्न की गोली शुरू नहीं। केवल जो दवाई दी है वो सारी की सारी संहितोक्त दवाइयां हैं। संहितोक्त दवाइयों का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा कि मैं रसशास्त्र यूज नहीं करता हूँ, मेरी पूरी प्रैक्टिस में पिछले 22 साल में मैंने रसशास्त्र का प्रयोग नहीं किया। मेरे BMS करियर में रसशास्त्र मेरे सिलेबस में था, मैं रसशास्त्र पास हूँ, सिलेबस में जितने रसकल्प थे वो सारे मेरे आज भी कंठस्थ हैं, लेकिन मैं रसशास्त्र को आयुर्वेद नहीं मानता हूँ। ये मेरा वैयक्तिक मत है, कोई विवाद की बात नहीं, कोई वितंडा की बात नहीं, उसकी कुछ अलग कारण है, उस पर कभी अन्य दिन बात करेंगे कि रसशास्त्र आयुर्वेद क्यों नहीं, वो एक अलग चिकित्सा है, नहीं है ऐसा नहीं, मैं उसको नकारता नहीं हूँ, लेकिन वो आयुर्वेद नहीं है, उसके मेरे कुछ अपने मत है जो आज का विषय न होने के कारण मैं उसमें विस्तार में नहीं जाऊँ। बताने का मतलब इतना ही है कि कोई भस्म, कोई वसंत कुसुमाकर, वंग भस्म, त्रिवंग भस्म, जो भी कंटेम्प्रेरी मेडिसिन हम आयुर्वेद में देते हैं प्रमेह के लिए, डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए, उसको दिए बिना ये रिजल्ट आए हो। ठीक है, ये तो रिसेंट है, जहां से ये सारा मेरा सोच डायबिटीज के बारे में आयुर्वेद की ट्रीटमेंट करने का शुरू हुआ, ये केस थी 2016, बहुत पुराना नहीं है, हाल ही का है ये। 18 अप्रैल 2016 को 226 और 177
और 2+ यूरिन शुगर, ये पेशेंट का प्रेजेंटेशन था। 2 महीने बाद आप देखेंगे तो 74.99 फास्टिंग पीपी है, ये 2 महीने बाद का। फिर उसके बाद उसका HbA1c अप्रैल 16 को था 9.4, एवरेज शुगर थी 225। 2 महीने बाद आप देखेंगे HbA1c था 6.2 और एवरेज शुगर थी 1.31। तो ये जो रिजल्ट्स है सारे जो मैंने आपको अभी अभी बताए, 24 अप्रैल से 24 अगस्त तक के, या ये 2016 के है, और इसके बीच में न जाने कितने केसेस हो गई। अभी एक जो मैंने आपको केस बताया, ये केस नंबर 162 है, इसका एक स्वतंत्र वीडियो हमने YouTube पे डाला हुआ है अभी पिछले हफ्ते, ये यशस्वी डायबिटिक फ्री पेशेंट केस नंबर 162। तो ये सारे की सारी केसेस जो है ये विदाउट OH है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है ये सारा जो है ये विदाउट OH है, यानी ओरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट्स दिए बिना ये सारा अचीव होता है। आप ये देख पाएंगे, दिस ऑल आर विदाउट OHA। ओनली एक्सरसाइज 3 फुल मील्स, यानी पेट भर के खाना खा। सजेस्टेड मेनू जो है उसमें शुक, शिम्बी, शाक, यानी कंटेनिंग ग्लूकोज, प्रोटीन, फाइबर डाइट सारा होता है। ऐसा कुछ नहीं कि उसका कोई स्टार्विंग करना है, क्रैश डाइट देना है, ऐसा कुछ नहीं। मुख्य रूप से जो दवाई दी जाती है वो है मेजर ड्रग एज वचाहृद राजगण टैबलेट। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 15 में वचादिगण और हरिद्राधिगण आता है। वचादिगण में है वचा जगद देवा वह नागराति विषा भया, और हरिद्राधिगण में है हरिद्राद्वयक्षा वह कलशी कुटोज भवा। माइक सब कर रहा है वो बंद कर। थैंक यू। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो स्क्रीन शेयर करना है हमें, उसमें मैं फिर से जाता हूं। अबे फिर से स्क्रीन कैसे शेयर करना है, सर आपकी स्क्रीन शेयर है अभी दिखाई दे रहा है? जी सर। ये वचार इंद्राधिगण कहां? ठीक है, तो इन सभी में जो ड्रग यूज किया गया है वो है वचाहृदराधिगण। अभी वचाहृदराधिगण के फलश्रुति में मेह का उल्लेख नहीं। अभी यह वचाहृदराधिगण देखेंगे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 15 में, तो उसकी फलश्रुति है वचाहृदराधिगण आमातिसार नाशनो मेदह कफाड्य पवन स्तन्य दोष निबर्हण। तो अभी वहां पर जो फलश्रुति लिखी है उसका उसमें प्रमेह का उल्लेख नहीं, और मैं जो रिजल्ट ले रहा हूँ अभी ये केस नंबर 162 है, उसमें मैक्सिमम जो यूज किया गया है वो वचाहृदराधिगण के टैबलेट्स है। यानी कभी वचा के होंगे, कभी हरिद्रा के होंगे, कभी शुंठि के, कभी देवदार के, कभी 2 होंगे, कभी 3 होंगे, कभी उसके साथ और कोई दिया जाएगा, वो अलग बात है। वो तो पेशेंट की हिस्ट्री पर, एज पर, बाहर ऋतु क्या चल रहा है, उसके साथ उसको और कोई उपद्रव है क्या, फिर पहले मेटफॉर्मिन कितना लिया गया है या इंसुलिन दिया गया था, ऐसी स्थितियों पर निर्भर करता है कि मैं वचाहृदराधिगण में कितने टैबलेट यूज करूंगा या उसके साथ और कुछ दूंगा। लेकिन एक हम बोलते हैं ना कि इसका जो एक ड्राइविंग फोर्स होता है वो वचाहृदराधिगण में जो द्रव्य है उनके टैबलेट्स होते हैं। अभी नीचे मैंने लिखा कि ये सारे रिजल्ट जो है ये रसशास्त्र के कल्प या पंचकर्म या गुगुड़ या सबसे इंपॉर्टेंट प्रमेह अधिकार के औषध यूज किए बिना ही ये सारे रिजल्ट, ठीक है। और जो पहला मैंने क्लेम किया कि ये एक्सरसाइज और 3 भरपेट खानों के साथ, यानी ऐसा नहीं कि उसका स्टारविंग किया गया, ठीक। अब ये क्या है ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सारा जो मैंने आपके सामने रखा ये मेरी दृष्टि से क्या है। पहले ये जानना चाहिए कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो डायबिटीज है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं। तो
अच्छा दूसरा शब्द है डायबिटिक वुंड, वो भी बताना रह गया, तो पहले उसके भी रिजल्ट देख लेते हैं फिर बाद की बात करें। ये है उसके रिजल्ट्स। ये जब पेशेंट आया था तो ये डायबिटिक वुंड इस प्रकार से थी, यानी कितना डेप्थ है देखिए, पूरा ड्राई अप है, अनेकों प्रकार के डिस्चार्ज इसमें थे। ये है ये, और ये इसका हिस्ट्री जो है वो 4.5 साल का है, 4.5 साल से ऐसे ही था। फिर हमने उस पर काम चालू किया, ये पहले दिन का ही है वही है। फिर काम चालू किया, फिर धीरे धीरे एक महीने भर में देखिए मार्जिन जो है वो सारे हीलअप हो गए, डेप्थ जो है वो कम हो गई, ग्रैनुलेशन टिश्यू आप देख सकते हैं, एक हेल्दी ग्रैनुलेशन टिश्यू आ गया, लेकिन फिर भी ये डेड स्किन जो है फेरी फेरी की वो ऐसे ही थे, उसमें डिस्चार्ज या फाउल स्मेल कुछ नहीं था लेकिन वो ऐसे ही थी। फिर अभी ये पिछले हफ्ते का फोटो है, वेरी फ्रेश। ये जो है ये लेटेस्ट फोटो है, अभी अभी आया हूं, थोड़ा उल्टा हो गया है, इसको सीधे करते हैं। अभी देखिए ये जो है ये पूरी तरह आपको हील मिलेगा, ग्रैनुलेशन टिश्यू देखिए पूरा का पूरा आ गया है, देयर इज नो डेप्थ, नो गैप, नो डिस्चार्ज, और ये जो नई त्वचा देखिए पूरी गुलाबी, तो ये डायबिटिक वुंड का पेशेंट। ये दूसरा फोटो है उसका जो और नजदीक से लिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से ये दो केसेस मैंने आपके सामने रखे, दोनों सब्जेक्ट के, एक डायबिटिक्स और एक डायबिटिक वुंड। अब ये सब क्या है मेरी दृष्टि से क्या है, ठीक है, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, बहुत वृद्ध नहीं हूँ, कई सालों का एक्सपीरियंस है ऐसा नहीं है, 22 साल का पूरा प्रैक्टिस है। इसमें से डायबिटिक्स पर जो यशस्वी काम शुरू हुआ वो 2016 से है, यानी बहुत पुरानी बात नहीं, 4 साल की बात, ठीक है। अभी इसमें मेरे विचार में आपके सामने रखता हूँ। पहली बात है कि डायबिटिस मेलिटस इज नॉट प्रमेह ऑलवेज। अगर हम भाषांतर करके किसी चीज का निदान या चिकित्सा करने का प्रयास करेंगे तो नहीं होता। प्रमेह एक अलग एंटिटी है, डायबिटिस एक अलग एंटिटी, इसलिए ऐसा होता है कि हम डायबिटिस मेलिटस टाइप 2, मैं अभी इसमें इंसुलिन डिपेंडेंट की बात आपके सामने नहीं रख रहा हूं, ये टाइप 2 जो लोग ओएचए पे होते हैं पिछले 1 साल से 2 साल से 10 साल से 15 साल से 20 साल से और उनका शुगर नियंत्रण नहीं होता है, ऐसे लोगों के विषय में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये ट्रांसलेशन आप करेंगे कि डायबिटीज मेलिटस यानी प्रमेह है, तो उससे ज्यादा से ज्यादा आप एकेडमी में पढ़ा सकते हैं, स्कूल कॉलेज में आप उस पर लेक्चर दे सकते, लेकिन आप पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रमेह अधिकार की कोई भी औषधि यूज करके, जो भी शास्त्र चरक में लिखी है, सुश्रुत में लिखी है, योग रत्न में है, या फिर रसकल्प है जो प्रसिद्ध है, जीवंग भस्म है, वसंत कुसुमाकर है, चंद्र प्रभा बुलबुल है, ये देने से शुगर कम नहीं होती है, ना ही वो कंट्रोल होती है। अच्छा, दूसरा और एक ट्रेंड होता है कि शुगर कम करने वाले कुछ ऐसे प्रसिद्ध हो गए द्रव्य है, जिसमें गुड़मार है, गुड़वेल है, करेला है, जम्बू है, मैं ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं रखता, क्योंकि मेरा एम जो है, मेरा एम ये नहीं है कि मैं शुगर को कम करूं। तो फिर मैंने नया क्या किया, अगर वो एक 10-15 रुपए की टैबलेट लेकर उसकी शुगर कंट्रोल कर रहा है पिछले 10-12 साल से, तो मैं उसकी वो टैबलेट बंद करके मैं मेरे औषधि दे दूं और उसको बोलू कि तू इससे शुगर कम रहेगी तो जिंदगी भर ये ले ले, तो उसमें नया क्या किया मैंने, हाँ उसकी जिंदगी में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो टैबलेट ले रहा था, अभी आपका चूर्ण या काढ़ा या मेरा अनुभव जो है वो छोटा है, अभी मैं 165 नंबर के केस पर काम कर रहा हूँ,
लेकिन उसके पीछे का वाली वो छोड़ देना है और आप वाली कोई दवा लेनी है, गुड़मर वाली, करेला वाली, तो उसमें उसमें पेशेंट के जीवन में क्या फर्क पड़ता है? मेरे चिकित्सा का उद्देश्य, मेरे डायबिटीज पर विचार करने का उद्देश्य, सर आपकी वॉइस कट रही है सर। वो जो भी कुछ खा रहा था उस शुगर को नियंत्रण करने की क्षमता उसके पैंक्रियाज में, उसके शरीर में, उसके लीवर में, उसके टिश्यूज में, उसके मसल में थी। तो आज अचानक ऐसे क्या हो गया कि उसका पैंक्रियाज, उसका लीवर, उसके मसल टिश्यू, उसका शरीर शुगर नियंत्रण करने का काम भूल गया? अच्छा मान लो कि भूल गया या उसकी क्षमता थोड़ी बहुत कम हो गई, तो क्या हमेशा के लिए कि अभी हमारी क्षमता खत्म हो गई ऐसा समझ के हमने जिंदगी भर के लिए ओएचए पर डिपेंड होना चाहिए? मान लो कि आपको कोई एक एक्सीडेंट हो जाता है और आपका पाव टूट जाता है, पाव में फ्रैक्चर हो जाता है, आप चलने के काबिल नहीं हो, आपको प्लास्टर लगा दिया और बोला है कि 3 हफ्ता या महीना भर लगेगा आपका फ्रैक्चर हील होने में, तब तक आप क्रचेस का इस्तेमाल करो, तो आप क्या करते हो? आप दोनों आपके इसमें कक्षा में क्रचेस डाल देते हो और उसके सहारे चलते हो। कब तक चलोगे? जब तक कि आपका फ्रैक्चर हुआ पाव हील होके उस पर जोर देके आप चल ना पाएंगे तब तक। जैसे जैसे हील होता है वैसे हम से हम क्रचेस को बाजू को रख देते हैं, किसी का सहारा लेके, किसी कुर्सी का, वॉकर का सहारा लेके चलने की कोशिश करते हैं। और जब हमें पूरा भरोसा आ जाता है कि फ्रैक्चर इज हील्ड, तो हम क्रचेस नहीं लेते, किसी का सहारा नहीं लेते, कोई लाठी नहीं लेते, अपने पाँव पर जैसे पहले चलते थे फ्रैक्चर होने से पहले वैसे चलने लगते हैं, दौड़ने भी लगते हैं, कभी कभी कूदी भी लगा लेते हैं। तो हम कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद ये भूल जाते हैं कि कभी हमारा फ्रैक्चर हुआ था। वैसे मुझे लगता है कि जिस दिन डायबिटीज नाम का डायग्नोसिस होता है उस दिन ऐसा समझ के चले कि ये जो शुगर नियंत्रण करने वाले हमारे शरीर की व्यवस्था है उसमें कहीं पर एक फ्रैक्चर आ गया है, कहीं पर एक अक्षमत्व आ गया है, कहीं पर उसकी जो कैपेसिटी हो थोड़ी बहुत हैम्पर हो गई है, उस कैपेसिटी को मुझे वापिस लाना है। अगर मैं उस कैपेसिटी को वापिस ला सकता हूँ तो उसको जिंदगी भर ओएच लेने की या जिंदगी भर मैं जो दवा दूंगा वो लेने की जरूरत नहीं है। आई एम ट्राइंग टू हील That sugar controlling capacity fracture, इस विचार पर मैं काम करता हूं। मेरा ये मानना है कि एक दिन में या एक महीने में हमारा शरीर, हमारी शुगर नियंत्रण करने की जो व्यवस्था है शरीर में, जो संस्था है, जो लीवर है, जो पैंक्रिया है, जो मसल टिश्यू है, जो रिसेप्टर्स है, वो एक दिन में स्विच ऑफ नहीं हो जाएंगे, वो एक दिन में उनकी शुगर नियंत्रण करने की क्षमता भूल नहीं जाएंगे, खो नहीं देंगे। तो चिकित्सा ऐसे संभव है कि जो उस क्षमता को फिर से जागृत करे, फिर से प्रस्थापित करे, फिर से मेंटेन करे जिंदगी भर। ये मेरा मानना है। क्यों ऐसा मानना है? क्योंकि जितने पेशेंट को मैंने ट्रीट किया है, जिनके मैंने ओएचए टेपर आउट करके बंद किए हैं, फिर मेरे दी हुई दवा को मैंने बंद किया है, और पिछले 3 साल से 3.5 साल से जब उनके फास्टिंग पीपी करवा रहा हूँ, जब मैं उनका HbA1c करवा रहा हूँ, वो सारा नॉर्मल है। यानी दे आर डिवाइड ऑफ एनी ट्रीटमेंट। अभी उनको ना तो मॉडर्न के ओएचए चालू है, ना मेरी दवा चालू। दे आर जस्ट पुटिंग कंट्रोल ऑन देयर डाइट एंड दे आर गोइंग फॉर डेली एक्सरसाइज, जो दिनचर्या का भाग, जो स्वस्थ वृत्त की बात है। समझ रहे आप मैं क्या कहना चाहता हूं? आई एम नॉट हियर टू इंट्रोड्यूस अ मैजिक ड्रग विच विल रिप्लेस ओएचए एंड विच विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल शुगर। मैं शुगर को कम करने वाली चिकित्सा देने के पक्ष में हूं ही नहीं, मेरा वो विषय ही नहीं है, मुझे उस बस में, उस ट्रेन में बैठना ही नहीं है।
मैं एक आपको ऐसा विचार आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, हमारे जन्म से लेके डायबिटीज का डायग्नोसिस होने तक हमारे शरीर में शुगर नियंत्रण करने की एक नैसर्गिक क्षमता है। उस क्षमता को मैं पुनः प्रस्थापित करने की चिकित्सा की बात करता हूँ, जिससे कि जब मैं मेरी चिकित्सा बंद करूँ, मेरे टैबलेट्स बंद करूँ, उसके बाद भी उसकी शुगर जो है वो नियंत्रण में रहे। समझ रहे आप? इसलिए डायबिटीज मेलिटस को आप प्रमेह ट्रांसलेट मत कीजिए। क्यों? क्योंकि प्रमेह है एक अलग संप्राप्ति है, एक अलग घटना है, एक अलग डेस्टिनेशन है, डायबिटीज अलग है। पहले क्या करते हैं, डायबिटीज और प्रमेह एक नहीं है, दोनों अलग है, इसको पहले सिद्ध करते हैं, जिससे कि हमारे मन का जो भ्रम है कि हमें पढ़ाया जाता है कि डायबिटीज प्रमेह है, इसलिए हम उस रुझान से, उस अज्ञान के कारण ये करने पर मजबूर हो जाते हैं कि किसी पेशेंट में हमने शुगर बढ़ने का रिपोर्ट ला के दिया तो हम उसको चंद्र प्रभा देंगे, हम उसको वसंत कुसुमा कर देंगे, हम उसको कौटर्जाती शिलाजीत देंगे, हम उसको आसनात देंगे, हम उसको गुड़मार देंगे, हम उसको करेला देंगे, हम उसको आमलकी और गुड़ुची का पिसा हुआ चूर्ण देंगे, हम उसको हल्दी और आमलकी दे देंगे। यानी हम संहिताओं में या रस शास्त्र के ग्रंथों में लिखे हुए प्रमेह के कल्प देंगे और हम अपेक्षा करेंगे कि शुगर कम हो जाएगी। नहीं होती है, उसकी रिपोर्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए डायबिटीज प्रमेह नहीं है। अभी पहले देखिए प्रमेह शास्त्रों में क्या है, उन्होंने लिखा बहुद्रव श्लेष्मा दोष विक्रय। आपको पता है कि द्रव प्रधान कफ इसमें मुख्य दोष है। ओके, फिर उसने दूष्य गिनाया जिसमें बहुअबद्धम मेदहा यानी लूज वेट, द्रव बहुल मेद, फिर मांस, फिर शरीर क्लेद यानी शरीर में जो पानी है या दलदल है, मड है, पानी में आपने मिट्टी मिला है तो क्या बनता है, मड बनता है, वो क्लेद है, शुक्र है, शोणित है, वसा है, मज्जा है, लसिका है, रसाख्य ओज है, यानी जितने भी द्रव समूह है, जितने भी लिक्विड एंटिटीज है वो सारी उसमें आ गई। ठीक है, ओके, आप कुछ आप जानते हैं। फिर श्लेष्मा पर, अभी ठीक से देखिए, श्लेष्मा प्रकोप मापद्यते मालूम है हमें, क्योंकि वो बढ़ जाता है ये भी मालूम है। फिर शरीरे विसृप्ति लब्ध शरीर में फैलता है ये भी हमें मालूम है। फिर विसर्पण शरीरे मेदसा एव आदितो मिश्री भावम गच्छति, मेद के साथ घुल मिल जाता है, वो भाई ठीक है क्योंकि कफ और मेद के महाभूत एक जैसे है। फिर मेदसा मिश्र भुवन दुष्यते न, फिर मेद को दुष्ट करता है, वो भी ठीक है। फिर मेदसा उपहिता शरीर क्लेद मांसाभ्याम संसर्गम गच्छति। देखिए अभी ये मेद के साथ साथ शरीर क्लेद और मांस में भी आ गया। फिर क्लेद मांस यो हो अति प्रमाण अभिवृद्धत्वात् मांसे मांस प्रदोषात् पूति मांस पीड़का जनयति, प्रमेय पीड़का बन जाती। ओके, फिर क्या होता है लास्ट का वाक्य देखिए, शरीर क्लेदम पुनर्दूषयन मूत्रत्वेन परिणमति। शरीर का क्लेद जो है, शरीर के जो द्रव बहुल घटक है, शरीर का मांस है, शरीर का बहुअबद्ध मेद है, शरीर में प्रकोपित होने वाला श्लेष्मा है, ये सारे मूत्रत्वेन परिणमयन्ति, उनका मूत्र में कन्वर्जन होता है और ये मूत्र वहा नाम स्रोतसाम, मूत्र वह स्रोतसों में मुखानि आसाद्य प्रतिरुध्यते, मुख मूत्र वह स्रोतसों के ओपनिंग तक आ जाते हैं, तथा प्रमेहान जनयन्ति, उसके बाद प्रमेह निर्माण होता है। यानी जब तक ये क्लेद जो है, ये जो क्लेद है ये मूत्रत्वेन मूत्र में परिणमन होकर मूत्र वह स्रोतसों में उनके मुखों में आकर नहीं बैठेगा तब तक प्रमेह नहीं होंगे। समझ रहे हैं? यानी मेरे शरीर का क्लेद, मेरे शरीर का मेद, मेरे शरीर का मांस, मेरे शरीर का कफ, मेरे शरीर का द्रव बहुल घटक जब तक मूत्र व स्रोतस में आके निष्कासित न हो जाए, प्रभूत आविल मूत्रता यह सामान्य लक्षण। यानी हमारे प्रमेह का निदान, हमारे प्रमेह की संज्ञा यह मूत्र के द्वारा क्लेद के निष्कासन का प्रमाण अत्यंतिक बढ़ जाने पर दी जाने वाली एक घटना है। ठीक है, आगे शरीर क्लेदस्तु श्लेष्म मेदो मिश्रः प्रविशन मूत्राशयम्। शरीर का क्लेद श्लेष्म मेद के साथ मिलकर
मूत्राशय में प्रवेश करता है, मूत्रत्वम आपद्यमान दोषो बस्तिम समुपेत्य, बस्ती में आता है और मूत्र को संदुष्य मेहान जने देथास्व। यानी आयुर्वेद में मेह होने के लिए, प्रमेह होने के लिए शरीर के क्लेद को बस्तिम समुपेत्य, बस्ती में आना अत्यंत आवश्यक है। जब तक शरीर जन्य क्लेद मूत्र बनकर बस्ती तक नहीं आता है उसे मेह नहीं कहते, ठीक है। आगे फिर मेदश्च मांसम च शरीरजं च क्लेदम कफो बस्तिगतम प्रदुष्य करोति मेह। देखिए हर बार मैं आपको ये अंडरलाइन के बता रहा हूं कि ये जो आयुर्वेद में उल्लेखित प्रमेह है ये शरीर के क्लेद को, शरीर के मांस को, शरीर के मेद को, शरीर के कफ को, शरीर के जल प्रधान द्रव बहुल घटकों को मूत्र मार्ग से बस्ती में लाके उसको निष्कासित करते हैं तो उसे प्रमेह कहते। फिर एक बार देखिए, स मेदसा सह एकत्वम उपैत्य, ये मेद के साथ एकत्व को आकर कौन, श्लेष्मा मूत्रवाही स्रोतांसी अनुसृत्य, मूत्र व स्रोतसों में जाके अधोगत्वा नीचे जाके बस्ते है मुखम आश्रित्य, बस्ती मुख में जाके तदा प्रमेहम जनयंती, तभी ये प्रमेह को निर्माण करते हैं। तो पहले ये बात ध्यान में रखिए कि ये जो सारी बातें हैं प्रमेह 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 नाम से शास्त्र में लिखी हुई, ये सारी की सारी बातें जो है ये बस्तीगत शरीर क्लेद के लिए लिखी गई है। डायबिटीज मेलिटस नाम की जो चीज आज हमारे सामने पेशेंट लेके आता है, क्या ये बस्तीगत क्लेद है? नहीं है। आज जो मॉडर्न मेडिसिन डायग्नोस करता है कि ये डायबिटीज है, ये डायग्नोस करता है कि रक्त में, हमारे सुविधा के लिए हम कहेंगे रस रक्त में शुगर की अति मात्रा को वो डायबिटीज नाम से, हाइपरग्लाइसेमिया नाम से डायग्नोस करते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ लिखा है प्रमेह यानी प्रभूत आविलमूत्रता, ठीक है। और मॉडर्न कहता है रक्त में शुगर आना यह डायबिटीज। अभी बस्तीगत क्लेद ये प्रमेह आयुर्वेद में, रक्तगत शर्करा ये मॉडर्न में डायबिटीज है। तो रक्त की शर्करा और मूत्र में क्लेद ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए दोनों का ट्रांसलेशन करके उसे एक समझना ये गलत है। अभी आगे मैंने कुछ स्टेटमेंट दिए है कि शुगर और HbA1c, ये लाल लाइन में शुगर और HbA1c दोनों को नॉर्मल लाकर ठीक रखना संभव है। बस्तीगत क्लेद यह प्रमेह है। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट कि जिस विषय पर, जिस विचार पर, जिस तत्व पर, जिस थियरी पर, जिस थिंकिंग पर मेरी ट्रीटमेंट चलती है वो है 6 नंबर की चीज, डायबिटीज यह मूत्र के पहले, बस्ती के पहले आइडेंटिफाई किया हुआ रस रक्त मांसगत क्लेद है। देखिए मैं फिर से बोलता हूं, शरीर का क्लेद, शरीर का मेद, शरीर का मांस, शरीर का कफ, शरीर का जल बहुल भाग, शरीर का द्रव बहुल घटक मूत्र से या बस्ती से बाहर जाना, इसे आयुर्वेद में प्रमेह कहते हैं। जिसके मैंने आपको चरक सुश्रुत वाग्भट के सारे श्लोक आपके सामने रखे। मॉडर्न कहता है कि डायबिटीज या हाइपरग्लाइसेमिया ये अमुक अमुक यूनिट के ऊपर रक्तगत शुगर का इंक्रीज होना ये डायग्नोसिस। अभी रक्त में शुगर इंक्रीज होना और बस्ती या मूत्र से क्लेद निकलना, इनमें बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। अभी मुझे आप बताइए कि हमारे यहाँ कफक प्रमेह के लक्षण जो बताए हैं, जो लक्षण बताए प्रमेह, इसमें से एक भी लक्षण आज आपका पेशेंट बताता है? नहीं बताता। वो तो छोड़ दीजिए, जो मॉडर्न के लक्षण है डिस्पेजिया, डिस्पेप्सिया और पॉलियोरिया, ये भी पेशेंट बताता है आज? नहीं बताता है। वो आपके सामने पेपर डायग्नोसिस रखता है, ये मेरा डायग्नोसिस है, ये मेरा HbA1c है, ये मेरा शुगर है, मैं इतने साल से ये अमुक अमुक टैबलेट खा रही हूँ और मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही,
ठीक है, यानी आज का आप देखिए, मैं सत्य को नाकारना नहीं चाहता और मैं शास्त्रों के श्लोकों में आपको उलझाना नहीं चाहता। मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल, क्योंकि आप प्रैक्टिशनर हैं, मैं प्रैक्टिशनर, हमारी रोजी रोटी जो है वो अगर हम पेशेंट को ठीक करेंगे, पेशेंट को सेटिस्फाई करेंगे तो मिलने वाले पैसे से होती, तो हम क्यों बिना कारण ही श्लोकों में उलझ जाए, शास्त्रों में, संहिताओं के पन्नों में खो जाए। मेरा मेरा एक स्पष्ट रूप से आपसे सवाल है कि रक्तगत शर्करा नाम का डायग्नोसिस, यानी रक्त, ठीक है, शर्करा को हम कुछ अलग नाम दे देंगे, रक्त में पृथ्वी जल प्रधान कुछ चीज बढ़ गई है जो आप टेस्ट करते हो, वो रक्त है क्या? चलो रस रक्त है मान लेते, तो रस रक्तगत कोई चीज बढ़ जाना यह, और बस्ती या मूत्र से कोई चीज निकल जाना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है कि नहीं है? है, बराबर है ना? आपके प्रवेश द्वार से कोई अंदर आया है और आपके हॉल में सोफे पर बैठा है, ये अलग चीज है, और आपके प्रवेश द्वार से कोई अंदर आया है, डाइनिंग टेबल पर खाना खाया है और अभी वो टॉयलेट में गया है मूत्र या मल विसर्जन के लिए, वो अलग बात है ना। आपने कफ बहुल या पृथ्वी जल बहुल या संतर्पण स्वरूप के कुछ आहारों का विहारों का सेवन किया, लेकिन वो अभी उससे निर्मित जो भी दोष दुष्य है, जो भी निदान है, वो बस्ती मूत्र तक नहीं गया है। वो बस्ती मूत्र तक जाएगा तो उससे प्रमेह कहेंगे, उस प्रमेह की औषधि या उस प्रमेह का निदान, उस प्रमेह के पूर्व रूप लक्षण आपके शास्त्र में लिखे हैं। लेकिन आज जो आता है आपके क्लिनिक में पेपर डायग्नोसिस लेके, वो तो जस्ट आपने दरवाजा खोला और वो आपके सामने आपके सोफे पर आके बैठ गया है ना, वो रस रक्त ज्यादा से ज्यादा मांस तक उसकी शुगर चली गई है, बराबर इतना ही है। अभी मॉडर्न का डायग्नोसिस क्या कहता है कि या तो इंसुलिन होता नहीं है या इंसुलिन होने के बावजूद वो उस शुगर को उस मसल टिश्यू में जाकर एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने में अक्षम होता है, यानी जो भी आपके यहाँ पर न्यूट्रिशन आया है, पोषण द्रव्य आया है, रस आया है, जल आया है, सोम भाव आया है, आप उसको कुछ भी कह लीजिए, सखलो आप्यो रसा, आपने रस कह दिया चलेगा, आपने न्यूट्रिशन कह दिया चलेगा, आपने पोषण द्रव्य कहा चलेगा, आपने जल पृथ्वी महाभूत कह दिया चलेगा, आपने आहार कह दिया चलेगा, आपने धात्वा, आपको टर्मिनोलॉजी क्या यूज करनी आप करो यार, उसमें मुझे कोई आपत्ति। मेरा मानना यह है कि आपके सामने जो पेपर डायग्नोसिस के लिए पेशेंट आता है कि भाई मेरी इतनी शुगर है, वो शुगर कहाँ की बताता है? अच्छा, शुगर को कुछ नाम दे दो, क्या जरूरत है? आप्त की व्याख्या क्या है? आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, जो जैसा है वैसा बताने वाला आदमी आप्त होता है, वो रज और तम से विमुक्त होता है, बरोबर, तपो ज्ञान बल से युक्त होता है। अभी जो पैथोलॉजिस्ट है उसका आपके साथ रजतम से क्या लेना है? वो जो पैथोलॉजिस्ट है उसका ना आपके साथ प्यार है ना बैर है, यानी उसको रज भी नहीं है तम भी नहीं है, उसकी जो अपनी कैपेसिटी है पैथोलॉजी के ज्ञान की, उसमें उसने तप किया है, उसका कोई अनुभव है, तो उसके तपोज्ञान बल से रजसा तमसा विमुक्त होकर वो जो रिपोर्ट दे रहा है वो आप तो ही है ना, वो कहां झूठ बोल रहा है? सत्यम वक्षंति ते, कस्माद असत्यम, क्यों झूठ बोलेगा वो? हाँ, यानी उसने जो रिपोर्ट दिया है वो सत्य है ना, और जो सत्य है उसको नकारने की जरूरत नहीं। अभी जो सत्य आपके सामने आया है उस सत्य को आप आपकी परिभाषा में समझ लो, है ना। मान लो कोई रीढ़ की हड्डी टूट के पेशेंट का एक्सरे लेके आए, उसने लिखा है कि अल्फा एसन डिजेनरेशन हुआ है, आप उसको कशेरुका कह लो, अस्थि कह लो, तरुणास्थि कह लो, वलय अस्थि कह लो, वो आपको कहना है वो कह लो ना। इट इज अप टू यू कि आप उसका अर्थ क्या समझते हैं। तो ये जो छठी लाइन है, डायबिटीज जो है ये बस्ती या मूत्र नामक क्लेद गमन नाम का जो प्रमेह आयुर्वेद में लिखा है उससे बहुत ज्यादा पहले की स्थिति है। ये रस रक्त ज्यादा से ज्यादा मांसाश्रित जल या पृथ्वी अंश का किया हुआ एक कैलकुलेशन, एक एस्टिमेशन, ठीक है। तो इस चीज को हमें ट्रीट करना। अभी मुझे आप बताइए कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मान लो कि आप दिल्ली में हैं और आपको जयपुर जाना है, या आप चेन्नई में हैं और आपको रामेश्वर जाना है, या यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया है कि मैं मुंबई में हूँ मुझे बेंगलोर जाना है,
बीच में कोई एक स्टेशन पड़ता है, कोई भी एक एक्स वाई जेड स्टेशन आप मान के चलिए, तो पहला स्टेशन है द स्टार्टिंग पॉइंट कि हमने संतरपण जन्य आहारों का सेवन किया और हमने व्यायाम नहीं किया, हमने निद्रा का आधिक्य किया, हमने दीवा वगैरह वगैरह, तो स्टार्टिंग पॉइंट वहां से शरीर में मेद बढ़ा, क्लेद बढ़ा, कफ बढ़ा, मांस बढ़ा, संतर्पण बढ़ा, जल महाभूत बढ़ा, और वो बस्ती से जब निकलेगा मूत्र के साथ परिणत होकर तो आप उसे प्रमेह कहेंगे। यानी मुंबई से बैठा हुआ आदमी ट्रेन में ट्रेवल करके बेंगलोर में उतर गया, दिल्ली से चला हुआ आदमी जयपुर में उतर गया, चेन्नई से निकला हुआ आदमी रामेश्वर पहुंच गया, ये आयुर्वेदोक्त प्रमेह संप्राप्ति। ओके, अभी हमें क्या करना है, हमें एक ऐसे बीच वाले स्टेशन के बारे में सोचना है कि हमने संतर्पण जन्य जो भी चीजें सेवन की है, बहुद्रव श्लेष्मा बढ़ाने वाली जो भी चीजें सेवन की है, वो अंतिम स्टेशन तक नहीं पहुंची है। मुंबई से निकला हुआ बेंगलोर नहीं पहुंचा, दिल्ली से निकला हुआ जयपुर नहीं पहुंचा, चेन्नई से निकला हुआ रामेश्वर नहीं पहुंचा, वो किसी बीच वाले स्टेशन पर उतर गया है, रुक गया है चाय पीने के लिए, उसने हॉल्ट ले लिया है और उसी समय आपने उसको पकड़ लिया है, वो है रस रक्त मांसगत क्लेद, रस रक्त मांसगत जल या पृथ्वी महाभूत, रस रक्त मांसगत कोई संतर्पण जन्य भाव, जिसे आज का मॉडर्न शुगर कहता है। ठीक है, ये मेरी समझ। तो आप जिंदगी भर जयपुर में या रामेश्वर में या बेंगलोर में बैठे रहेंगे तो भी दिल्ली से, मुंबई से या चेन्नई से निकला हुआ आदमी आपके पास नहीं पहुंचेगा, यू विल नेवर रिसीव हिम, बिकॉज वो बीच वाले स्टेशन पर उतर गया है, मुझे उसको वहां ट्रीट कर। अभी वहां कैसे पहुंचेंगे, तो अभी मेरी समझ ये है कि ये रस है, रक्त है, मांस है, क्लेद है, जल है, पृथ्वी है, तो मैं प्रमेय के औषधों की ओर क्यों जाऊं, नहीं जाऊंगा, मैं अभी ऐसी चीजों को ढूंढूंगा कि जो इस रस रक्त मांस नामक दूष्यों में उपस्थित, संचित, प्रस्थापित, वृद्ध, इंक्रीज, लॉज, अटके हुए, बढ़े हुए, जमे हुए, प्रस्थापित हुए क्लेद को, जल को, पृथ्वी को, संतर्पण जन्य भावों को वहां से हटा दे। तो ऐसे भाव कौन से हैं, तो मुझे जल के विपरीत, पृथ्वी के विपरीत, कफ के विपरीत, मेद के विपरीत, द्रव के विपरीत, ऐसी चीजों को ढूंढना है। पूरा आयुर्वेद है क्या, पूरा आयुर्वेद दोष रस गुण महाभूत है और कुछ नहीं है, बराबर है ना। वात वृद्धि के लक्षणों में मलरोध होता है क्योंकि वायु रूक्ष है, इसलिए वो मल को ड्राई करता है तो मलरोध होता है। वात वृद्धि के लक्षणों में कंप है क्योंकि वात का गुण चल है, तो चल गुण बढ़ गया तो कंप होता है, ठीक है ना। वात को उष्ण कामित्व है क्योंकि वात शीत गुण है, वात बढ़ गया तो शीत गुण बढ़ गया तो उष्ण कामित्व आता है। उसकी चिकित्सा क्या है, वातस्य उपक्रम स्नेह, वात रुक्ष है इसलिए स्नेहन करना है, स्वेदः वात शीत है इसलिए उसको उष्ण स्वेदन करना है, वेष्टनम क्यों, क्योंकि वात आकाश महाभूत का है, वेष्टन करोगे तो उसका आकाश कम हो जाएगा। कितना सादा सीधा सिंपल आयुर्वेद है, आपको दोष रस गुण या महाभूत इन चारों में से किसी भी एक में, दो में, तीन में या चारों में आपके सामने आई हुई परिस्थिति को समझना है। यू हैव टू रीराइट द डायग्नोसिस ऑफ द गिवन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इन योर ओन टर्म्स, दोष रस गुण महाभूत। तो अभी मेरे सामने ये एक 300 शुगर है, 400 शुगर है, एक 11-12 में HbA1c, ये मेरी दृष्टि से क्या है, ये मेरी दृष्टि से रस रक्तगत क्लेद की वृद्धि है, जल पृथ्वी महाभूत की वृद्धि है, ये रस रक्त मांस मेद कफ की वृद्धि है, ये अंतिम छोर तक नहीं पहुंचे हैं मूत्र तक, ये बहुत पहले के धातुओं में है, इसलिए वो साध्य है। साध्य साध्यता क्या है, साध्य साध्यता ज्वर में, देखिए ज्वर रोगों का पर्याय है, ज्वर जो है रोग पापमा ज्वर व्याधिर विकारो दुख मामय है ना, यक्षमातंक कदा अबाधा शब्द पर्याय वाचिनः, ज्वर जो है वो सभी रोगों का पर्याय है। तो ज्वर की जो साध्य साध्यता है धातुगत अवस्था में, वो प्रायः सभी धातुगत अवस्थाओं में लागू होती है। ज्वर की साध्य साध्यता लिखी है रसरक्ताश्रित साध्य मांसमेदो गतश्चया,
रस रक्ताश्रितः साध्यः मांसमेदो गतः साध्यः अस्थिमज्जा गतः कृच्छ्रः। अस्थिमज्जा में जो रोग होते हैं यानी ऑर्थोलॉजिकल है, ऑस्टियोलॉजिकल है या न्यूरोलॉजिकल है, या आज भी डिफिकल्ट है, उस जमाने में भी थे। अस्थिमज्जा गतः कृच्छ्रः शुक्रस्थो नैव सिद्ध्यति, शुक्रगत रोग जो जेनेटिकली आए हैं, माता पिता से आए हैं, कुलोत्पन्न है, बीजोत्पन्न है, जन्म के समय से आए हैं, कंजेनिटल है, इनहेरिटेड है, वो ठीक नहीं होते, शुक्रस्थो नहीं सिद्ध। तो अभी देखिए ये जो मेरा रसरक्तगत क्लेद है यानी शुगर बढ़ा हुआ आदमी है, ये जो पेशेंट है ये रसरक्ताश्रिता साध्य मांसमेदो गतश्चय, इस पहले चार धातुओं में है, इसलिए मुझे उसको साध्य करने की व्यवस्था करना संभव है, उतना मुझे कॉन्फिडेंस है, जो मुझे 162 केसेस में अभी प्रतीत हुआ है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं ये सोचूंगा कि जल पृथ्वी कफ मेद रस रक्त मांस संतर्पण प्लस इनके विपरीत क्या है, उन चीजों को मुझे देना है। इसलिए मैं क्या करूंगा कि कहां पर द्रव्य दिए हैं, तो वाग्भट सूत्र स्थान के पहले 14 अध्याय में तत्व ज्ञान स्वस्थ व्रत दिया है, आहार दिया है, रस गुण दिया है, सब दिया है। लेकिन 15वें अध्याय में द्रव्य दिए, द्रव्य कहां दिए, 15वें अध्याय चरक ने ज्वर का सारा ट्रीटमेंट दिया और चिकित्सा शुरू करने से पहले, द्रव्य बताने से पहले बोला इति क्रियाक्रम सिद्धो ज्वर घन संप्रकाशितः येषां त्वेष क्रमस्थाने द्रव्याद्युर्ध्वम् अत श्रुणु। पहले सारा थियोरेटिकल ज्वर घन क्रम बता दिया, ऐसे करो वैसे करो, सारे किससे करे, येषां तु येषः क्रमः, ये जो सारी तात्विक चिकित्सा मैंने बताई, इस अवस्था में रेचन करो, धूपन करो, आभिमुख करो, वमन करो, विरेचन करो, घृतपान करो, ये जो तात्विक चिकित्सा बताई इसके द्रव्य कहाँ है, वो द्रव्य बाद में बताता है, क्या बोलता है, इति क्रिया क्रम सिद्धा ज्वरग्न संप्रकाशिता, मैंने थ्योरेटिकली बता दिया, येषां तु येषः क्रमः, ये जो क्रम मैंने बताया जिन द्रव्यों से करना है, द्रव्यान ऊर्ध्वम अत श्रुणु, अब मैं द्रव्य बताता हूँ। वैसे वाग्भट सूत्र स्थान 14 तक सारी तात्विक चिकित्सा बता दी गई और 15वें अध्याय में द्रव्य बताना शुरू हुआ, फिर उन द्रव्यों को मैंने पढ़ा, तब मुझे पता चला कि मेरी जो आवश्यकता है कि जो क्लेद के विपरीत काम करेगा, मेद के विपरीत, रस के विपरीत, रक्त के विपरीत, कफ के विपरीत, संतर्पण के विपरीत, पृथ्वी जल के विपरीत काम करेगा, निद्रा के विपरीत काम करेगा, आस्य के विपरीत काम करेगा, गुरु के विपरीत, स्निग्ध के विपरीत काम करेगा, वो वचाहरिद्रादि गण के द्रव्य है। तो क्या है वचाहरिद्रादि गण, वचाहरिद्रादि गण है वचा जलद देवाउह नागराति विषाभया हरिद्रा द्वय यष्ट्याउह कलशी कुटजोद्भवाः। तो सर आवाज का प्रॉब्लम है, सर आवाज नहीं आ रही है, हमने ना माइक म्यूट किया हुआ है, अभी 2 मिनट रुक जाइए। ओके सर, थैंक यू। स्तन्य का क्या संबंध है, अरे स्तन्य यानी रस, स्तन्य किसका उपधातु है, रस का, स्तन्य में सबसे ज्यादा महाभूत No voice.
नॉट एबल टू लिसन सर. सर आवाज इतना ही है. सर आवाज नहीं आ रही है. मैत्रे सर हेलो. हेलो आवाज नहीं आ रही है. मैत्रे सर वचा का हम कंद प्रयोग करते हैं. हरिद्रा का कंद प्रयोग करते हैं. मुस्ता का कंद प्रयोग करते हैं. शुंठी का कंद प्रयोग करती. दीज ऑल आर राइजोम्स. दीज आर नॉट रूट्स. दीज आर राइजोम्स. तो ये राइजोम जो होता है, जो कंद होता है, ये तीक्ष्ण होता है, यानी शीघ्र कार्यकारी होता है. कंद विषाणी तीक्ष्णानी अत्युग्राणी. स्थावर विषयों के जो 10 प्रकार सुश्रुत में बताए हैं, सुश्रुत कल्पस्थान में, उसमें सबसे ज्यादा तीक्ष्ण विष आवाज नहीं आ रही है सर. मैं करता हूँ हर 15 दिन बाद उस पेशेंट को बोलता है कि आप आपकी शुगर टेस्ट करवा लो, और अगर वो नॉर्मल है तो वो मेरे औषधों के कारण है, क्योंकि आप OH तो पहले से ले रहे हो. तो हर साथ थोड़ा सा थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं, बीच में ना काफी गैप हो गया, वो आवाज नहीं आ रही थी सर. अभी आवाज आ रही है? हाँ सर अभी आ रही है. थोड़ा सा रिपीट जी सर. हाँ अभी ठीक है. हाँ अब ठीक है सर. स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ स्क्रीन स्क्रीन ठीक दिखाई दे रहा है सर. हाँ अभी आवाज देखिए अभी बराबर है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. हाँ अभी बराबर है. ठीक है. तो ये जो चार द्रव्य है ये इसलिए लिए कि ये तीक्ष्ण है, इनकी कार्मुकता अधिकतम है, क्योंकि कंदों में अधिक कार्मुकता होती है. अगर विषों के प्रकारों में कंदों में अधिक कार्मुकता होगी तो औषधि के प्रकारों में भी कंदों में अधिक कार्मुकता होनी ही चाहिए. इतना सादा विचार इसमें है. फिर मैंने सोचा कि फिर भी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है. चूर्ण की मात्रा जो है, गुटी वटी की मात्रा जो है, कल्क की मात्रा जो है, शास्त्र में एक कर्ष बताई गई है. एक कर्ष का मतलब होता है 10 ग्राम. 10 ग्राम दवा पेशेंट को देना ये आसान नहीं है. 10 ग्राम आप खा नहीं सकते. तो मान लो उसके टैबलेट देना चाहा तो 500 mg की आपको 20 टैबलेट देनी पड़ेगी, और 250 mg की आपको 40 टैबलेट देनी पड़ेगी. 40 टैबलेट कैसे खाएगा वो, है ना? तो हमने क्या किया, हमने चरक का जो वाक्य है, चरक कल्पस्थान 12 के अंत में आया हुआ, चरक ने लिखा है भूयश्चैषाम बलाधानम कार्यम स्वरस भाव नहीं स्वरस ही तुल्य वीर्य वा एषाम विभाव. उसी द्रव्य को उसी द्रव्य के क्वाथ की या स्वरस की भावना दे. तो हमने इन द्रव्यों को उन्हीं के क्वाथ की साथ साथ भावनाएं दी. तो ये सारे के सारे सप्तधा भावी चूर्णों के टैबलेट में यूज करता हूं, जिसके कारण मुझे अल्प मात्रा में रिजल्ट आता है. क्योंकि मान लो कि 40 टैबलेट देनी है 250 mg की 10 ग्राम की मात्रा करने के लिए, तो अगर मैं उसको 7 भावनाएं दे दूं तो मुझे कितनी टैबलेट देनी पड़ेगी? 40/7 इज अप्रोक्सीमेटली 6. तो 6 टैबलेट में मेरा काम हो जाता है. तो मेरा डोज होता है 6 टैबलेट. तो 6 टैबलेट लेना पेशेंट के लिए उतना मुश्किल नहीं है ना. आप 3 टैबलेट 2 बार दे दो या 2 टैबलेट 3 बार दे दो, है ना? तो ये भी सोचना चाहिए. देखिए हर बार आप जब प्रैक्टिस में होते हो तो आपको पैलेटेबिलिटी सोचनी है, आपको कॉस्ट सोचनी है, आपको आपका मार्जिन सोचना है. अगर मैं रसकल्प इस्तेमाल करूं तो मेरा मार्जिन बहुत कम हो जाता है, बहुत कॉस्टली है. मैं क्यों इतना इन्वेस्टमेंट करूं जिसमें मुझे फायदा कम रहे, है ना? सर कैन यू रिपीट दिस प्लीज, द वॉइस नहीं था अभी. अलग आवाज आता? हाँ आता आला बरोबर ना. आवाज आ रही है अभी? हेलो जी सर. हेलो जी सर. आवाज सर आता आवाज देता है? यस सर. रजत जी आवाज ठीक है अभी? यस सर अब क्लियर है. हाँ ठीक है. तो ये जो द्रव्य है इनका मैंने क्या किया, 7 भावना देके
उनका टैबलेट बनाया जिससे कि उसकी मात्रा कम रहे। ये जो क्लेम करते हैं नरशास्त्र वाले, अल्प मात्र उपयोगित्वाद अरुचेर प्रसंगतः क्षिप्रम आरोग्य दायित्व दोष दिव्योदको रसः, मेरा मानना है कि अल्प मात्र उपयोगिनी अरुचे न प्रसंगतः न चैवा रुचिकारिणी क्षिप्रम आरोग्य दायिनी सप्तधा भावितोवटी। हमने भी श्लोक बना लिया यार, आपको श्लोक आता है क्या? रसशास्त्र वालों को, उन्होंने श्लोक बनाया कि रसशास्त्र क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि अल्प मात्र उपयोगित्वाद अरुचेर प्रसंगता क्षिप्रम आरोग्य दायित्वा दोष दिव्यो दिको रसः। हमने श्लोक बनाया अल्प मात्र उपयोगिनी अरुचेर नैव प्रसंगतः नैव अरुचिकारिणी क्षिप्रम आरोग्य दायिनी सप्तदा भाविता वटी। सात भावना देने के बाद वो वटी जो है वो आप निकल सकते हो, अरुचि का कोई बात ही नहीं है, मात्रा तो कम हो ही गई, 1/7 मात्रा हो गई, यानी 16% मात्रा आपको देनी है। और क्षिप्रम आरोग्य दायित्व, आपने रिजल्ट देखे हैं, 2 महीने में रिजल्ट आता है, 3.5 महीने में डायबिटिक कौन भर जाती है, और क्या चाहिए आपको? तो देखिए मेरा ये सादा सादा एकदम विचार है कि हम रस रक्त ये ब्लड शुगर जो है इसको हम रस रक्त मांसगद क्लेद समझे, और उसके विपरीत हमें कटु तिक्त उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष इस प्रकार का द्रव्य यूज करना है जो अग्निवायु आकाश प्रधान हो, जो वचारिद्रादिगण में बहुत मात्रा में उपलब्ध है। आप इसमें से कोई भी द्रव्य इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ उसके जो भी आहार विहार है वह है उसके अनुसार आप उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। फिर उसको आहार जो है वो नियंत्रित रूप से देना है, जिसमें शुक शिंबी सारे के सारे चीजें हो, और उसको व्यायाम करने का सलाह देना है, क्योंकि व्यायाम की बना वो तो ठीक होने से रहा। ये हो गया मेरा डायबिटीज नाम का एक अंडरस्टैंडिंग, जिसके मैं अभी 165th केस जो है वो चला रहा। आगे है डायबिटिक वुंड, ये मैं आपने देखा ये जो सारे फोटोज है और एक किस तरह से ठीक हुआ। अब ये जो केस है मेरी, ये अभी 80 नंबर की क्लेश चल रही है, एक्चुअली देखा जाए तो 84th केस चल रही है, जिनको एम्पिटेशन बताया है और मैंने एम्पिटेशन उनका रोक रखा है। तो ये जो है ये देखिए जिस प्रकार से हम इसको देखेंगे, ये मेरा इसमें अंडरस्टैंडिंग है कि डायबिटिक वुंड को आप क्या कहेंगे, डायबिटिक वुंड को आप प्रमेय पिटिका कहेंगे? आप डायबिटिक वुंड को प्रमेय पिटिका कहेंगे तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि डायबिटीज प्रमेय है ही नहीं, तो तज्जन्य व्रण जो है वो प्रमेय पिटिका कैसे होगा, ठीक है ना? तो वो नहीं है ऐसे। अभी देखिए जो डायबिटिक वुंड होती है ये प्रायः नॉन हीलिंग और रिकरेंट होती है, बराबर है, नॉन हीलिंग एंड रिकरेंट, यानी वो ठीक से भरती नहीं है और भरेगी तो अभी वो फिर से उलझ जाती है, यानी बार बार होती है और जल्दी भरती नहीं, यानी चिरकारी होती है और पुनरावृत्ति होती है। अभी ऐसा कहीं पर लिखा है क्या हमारे शास्त्रों में? लिखा है, ये देखिए ये वाक्य है, वर्णानाम अधिकम शूलम शीघ्रोत्पत्तिश्चिरस्थिति रूढ़ानाम अपि रुक्षत्वम निमित्ते अल्पेपि कोपनम निमित्ते अल्पेपि कोपनम, यानी रिकरेंस, कुछ हो गया जरा सा निदान सेवन कर लिया, जरा सा कहीं पर धक्का लग गया, अल्पेपि कोपनम, अल्प निमित्त से भी फिर से रिकरेंस होता है। प्राणानाम अधिकम शूलम शीघ्र उत्पत्ति, जल्दी से बन जाते हैं, चिरस्थिति भरते नहीं है। तो ये जो वर्णन है ये आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि ये जो वर्णन है ये एग्जैक्टली नॉन हीलिंग रिकरेंट वुंड का है। अभी मैं इसमें डायबिटीज शब्द नहीं डाल रहा हूं, मैंने क्या बोला, ये रिकरेंट और नॉन हीलिंग वुंड का वर्णन है। ये कहां पर आया है? ये डायबिटीज में नहीं आया है, ये प्रमेह में नहीं आया है, ये प्रमेह पिटिका में नहीं आया है, ये आया है कुष्ठ में। कहां है? कुष्ठ में, और कुष्ठ के लक्षणों में नहीं है, ये कुष्ठ के पूर्व रूप में आता है, यानी कुष्ठ नाम की संप्राप्ति रोग की ओर जाने से पहले शरीर में जो स्थिति होती है वो स्थिति अगर कुष्ठ की ओर न जाते हुए, वो बस्ती मूत्र की ओर न जाते हुए, शरीरम अभिसृप्तिम लभते शरीर मांसमेदोभ्याम मिश्री भूयं गच्छति, तदा जो होता है वो है व्रणानाम अधिकम शूलम शीघ्रोत्पत्ति चिरस्थिति रूढ़ा